नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर और आज हमारे साथ हमारी फैकल्टी रिंकू सिंह मैम शामिल हैं। वेलकम टू द चैनल मैम। थैंक यू सर। तो दोस्तों, रिंकू मैम भी हिस्ट्री पढ़ाती हैं, मैं भी हिस्ट्री पढ़ाता हूं, हम दोनों हिस्ट्री के एजुकेटर्स हैं। और जब हिस्ट्री के टीचर्स आपस में मिलते हैं तो उनकी चर्चा दो ही बातों के बारे में होती है, या तो ऐतिहासिक घटनाएँ या फिर करंट अफेयर्स में हिस्ट्री को कैसे लिंक किया जा रहा है, या फिर वो पुरानी ऐतिहासिक घटना नई घटना को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, इस तरह की चर्चाएं हम करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना मैम हम एक ऐसा डिस्कशन करें जो थोड़ा स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स या फिर जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में ट्रेंड्स हैं उसके बारे में अपडेट करें। तो वही चर्चा जो हम नॉर्मली कॉन्वर्जेशन में कर रहे थे वो आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के साथ। दैट इज़ वाई वी आर रिकॉर्डिंग दिस। तो हमने कैमरा लगाया और माइक लगाया और बैठ गए चर्चा करने। तो देखिए, पहली बात तो ये कि जो छात्र पहली बार हमारे साथ इस सेशन में जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि रिंकू सिंह मैम बोध बैच, जो हमारा हिंदी मीडियम का बैच है, उसमें हिस्ट्री पढ़ाती हैं। तो मैम की क्लासेस अगर आप वहां पर फॉलो करना चाहते हैं लाइव क्लासेस, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ाता हूं उड़ान बैच में, और जो हमारा अग्निपथ बैच है उसके अंदर भी मैं आपको पढ़ाता हूं हिस्ट्री। तो ये तो हो गई बात हमारे हिस्ट्री कहां हम पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं उस पर। अब हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है मैम जिसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं सवाल पूछने के तरीके में, तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है, या फिर आपका जो एनालिसिस रहा है पिछले 3-4 सालों के प्रीलिम्स के पेपर का यूपीएससी में, वो क्या रहा है? सर, पिछले 3-4 साल का तो नहीं, पर अगर मैं हम 2 साल की बात करें, 21 और 2022, तो 2021 और 2022 में एकदम पैटर्न चेंज हो गया सर। 2020 में कुछ सिमिलर सा ही पैटर्न था, लेकिन 2021 में ये देखा गया कि क्वेश्चन बिल्कुल ही बहुत फैक्चुअल हो गए थे और बहुत ही इन डेप्थ, जो कि स्टैंडर्ड बुक जो अभी तक हम लोग पढ़ते रहे हैं, आर्य शर्मा, सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र, उनसे थोड़ा बियॉन्ड क्वेश्चंस आए हैं। तो उसके लिए सर मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन का जो लेबल है, क्योंकि मैं ऑप्शनल भी पढ़ाती हूँ, तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चंस जो हैं ऑप्शनल की बुक्स में वो फैक्ट्स थे और ये स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं थे। मतलब जीएस के क्वेश्चन पेपर में ऑप्शनल लेवल की जानकारी पूछी जा रही है सर। और मैंने ये भी देखा कि ये सिर्फ हिस्ट्री में ही नहीं है, ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं। तो मैम फिर अब क्या करें, यूपीएससी के स्टूडेंट्स को क्या ऑप्शनल की किताबें पढ़नी पड़ेंगी? सर, ये तो उनके लिए बहुत बर्डन हो जाएगा और मैं बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन हमारा जो स्टाइल रहेगा यहाँ पर पढ़ाने का, बोध बैच में मैं पढ़ाऊँगी जो हिस्ट्री, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि स्टूडेंट को ऑप्शनल की बुक भी ना पढ़नी पड़े और उनको वो सारे फैक्ट्स भी मिल जाएं जो अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैं जो बेस बनाऊंगी, अपना जो सोर्स बनाऊंगी, वो मैं ऑप्शनल की बुक्स को ही बनाऊंगी और उसको बहुत ही प्रिसाइज वे में, शॉर्ट फॉर्म में मैं स्टूडेंट को पढ़ाऊंगी ताकि उनका कोई फैक्ट मिस ना हो। तो आप ये बता रहे हैं मैम कि जो किताबें हैं, जैसे मान लीजिए एंशियंट हिस्ट्री की उपेंद्र सिंह बुक है, तो कुछ फैक्ट उससे पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, एंशियंट हिस्ट्री में का वेटेज बढ़ा है सर आजकल, जैसा कि आपने देखा होगा, पहले मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब एंशियंट से आ रहे हैं, मेडाइवल से स्टार्ट हो गए, पहले नहीं आते थे, बीच में एकदम खत्म हो गए थे। बिल्कुल, तो एंशियंट का, क्योंकि अब हमारा पूरा का पूरा कल्चर एंशियंट हिस्ट्री कवर करता है, तो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने से हमारा कल्चर भी कवर होता है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को अभी एंशियंट हिस्ट्री पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, और उपेंद्र सिंह एक बहुत ही अच्छी बुक है और अच्छा सोर्स है, कल्चर भी पूरा का पूरा कवर होता है उस बुक से। बट हाँ, जनरल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स को मैं नहीं कहूँगी पढ़ने के लिए, बुक बहुत बल्की भी और थोड़ी महंगी भी है और सर वो पढ़ते हुए घबराहट भी होने लग जाती है। बिल्कुल, तो उपेंद्र सिंह, जैसे इसमें मेरा ओपिनियन तो मैम यही है कि उपेंद्र सिंह किताब अभी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़नी चाहिए जीएस के लिए। हाँ, ये आप कर सकते हो कि किसी अच्छे टीचर को फॉलो करो, जैसे रिंकू सिंह मैम के लेक्चर्स आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको वो डेटा जो इंपॉर्टेंट है, जो उपेंद्र सिंह से लिया हुआ है, उनके क्लास नोट्स में मिल जाएगा। तो पूरी किताब पढ़ने से बेहतर ये है कि जो हमारे काम का है, जो फैक्ट्स हमारे काम के हैं, वो आपने निकाल लिए और उन नोट्स में डाल दिए जो एजुकेटर के या टीचर के नोट्स है, और वहां से आपने पढ़ लिया। तो हम आपकी मदद करने के लिए ही हैं, एज अ टीचर हमारा काम ही यही है कि हम स्टूडेंट्स का काम थोड़ा सा आसान बना दें, तो हम आसान कर रहे हैं। तो उस चीज में आप थोड़ा ठीक काम करिए कि अच्छे टीचर्स को या ठीक टीचर्स को फॉलो करिए। फॉर एग्जाम्पल मैम की क्लासेस को आप देख सकते हैं। तो एंशियंट और मिडिवल का, जैसा मैम आपने कहा कि क्वेश्चंस आने बढ़ गए हैं, ये डेफिनेटली ट्रेंड रहा है कि मिडिवल बिल्कुल नहीं आता नहीं था, आते थे। अब लेकिन मिडिवल जो आ रहा है, उसको पढ़ने का फिर क्या सोर्स रखना चाहिए? सतीश चंद्र बेस्ट है अभी, उससे बियॉन्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे, अभी उससे बियॉन्ड नहीं है। अच्छा, सतीश चंद्र में भी दो किताबें जो आती है, क्या वो दो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वाली पढ़नी चाहिए? जो एनसीईआरटी है, जो सतीश चंद्र की जो एनसीईआरटी, मैम जो पुरानी एनसीईआरटी आती थी वो सतीश चंद्र सर ने जो लिखी थी, बस वही, और या तो उनकी किताब भी आती है जो एक सिंगल किताब आती है, वो तो ऑप्शनल के लिए
वो प्रीफर किया जाता है। वैसे तो जो एनसीईआरटी है, जो ब्लैक स्वान पब्लिकेशन उसको निकाल भी रहा है इंग्लिश हिंदी में, वही बुक That is sufficient. जी जी ओके okay. तो सतीश चंद्रा की जैसे आप वो मत पढ़िए जो वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू दो किताबें हैं, जिसमें एक में सल्तनत काल और एक में मुगल काल अलग से पढ़ाया गया है, वो ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स के लिए काम की है। हालांकि बुक्स बहुत अच्छी हैं वो, बट देन अगेन इतना जीएस के लेवल पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा से ज्यादा आप एनसीईआरटी से संतुष्ट नहीं है तो फिर आप जो सतीश चंद्रा की सिंगल वॉल्यूम वाली बुक है मेरे ख्याल से वो ठीक है, जिसमें उन्होंने एक नई किताब भी निकाल दी थी जिसके अंदर जॉइंट दोनों का उन्होंने कंबाइन करके डाल रखा है। वो एनसीईआरटी है बेसिकली, दैट इज द एनसीईआरटी, क्योंकि जब एनसीईआरटी में बदलाव हुए 2004-05 में तो उन्होंने सतीश चंद्रा सर ने अपनी खुद की किताब छाप दी थी। और उसके अंदर एक और बात बता दूं, थोड़े चैप्टर्स बस इधर उधर हैं, इधर उधर हैं, और चेंजेस ये भी हुए हैं कि आप पुरानी एनसीईआरटी मत पढ़ना। इसीलिए मैं अब स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि आप पुरानी एनसीईआरटी मत पढ़ो, पुरानी मतलब 2004 के पहले वाली, क्योंकि उसके बाद सतीश चंद्रा जी ने भी अपनी किताब में कुछ चेंजेस किए, खास करके 70s। एक स्टूडेंट था उसके पापा ने उसको सतीश चंद्रा गिफ्ट करी थी, बोले बेटा ये मेरी किताब है ये तू भी पढ़ना। लेकिन वो 70s वाली सतीश चंद्रा के अंदर बहुत चेंजेस हो चुके हैं 70s 80s के बाद, ही हैज डन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द बुक्स। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन आता है किताब का आपको मेरे ख्याल से वही पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो मैम मेडिवल के लिए हो गया, मॉडर्न के लिए मोस्टली सोर्स आजकल स्पेक्ट्रम रेफर किया जाता है, तो उसमें आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को कि स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहिए या फिर कोई और किताब? स्पेक्ट्रम में फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं और आजकल क्वेश्चंस क्योंकि फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं तो उसको पढ़ा जा सकता है। मेरी फेवरेट बुक सर बिपिन चंद्रा है, बिल्कुल वो कहानी के तौर पे बता बिल्कुल देती है। और वो बुक ऐसी स्टार्ट होती है कि मतलब आपको कनेक्ट करती है वो बुक, और उस बुक से मेंस में आंसर राइटिंग के लिए बहुत हेल्प मिलता है जी। मैंने बीपी चंद्र पता नहीं कितनी बार पढ़ी होगी और अभी भी पढ़ती हूँ मैं, मतलब कभी भी मुझे पढ़ाना होता है, कोई क्लास लेनी होती है तो मैं पहले बीपी चंद्र ही पढ़ती हूँ जी। स्टैंडर्ड बुक है, मतलब टीचर्स भी उसे रेफर करते हैं जी, जी। तो आपको बीपी चंद्र पढ़नी चाहिए, मिलते हैं उसमें बस। लेकिन ये है कि आपको अलग से, जैसे स्पेक्ट्रम और बीपी चंद्र में बस डिफरेंस ये है कि स्पेक्ट्रम में फैक्ट्स को सजा दिया गया है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको लाइन बाई लाइन पढ़ना नहीं पड़ेगा, और उसमें आपको पढ़ना होता है बिपिन चंद्रा में। उसमें कहानी के रूप में उन्होंने पैराग्राफ बता रखे हैं, स्पेक्ट्रम बिल्कुल टॉपिक वाइज बताती है कि ये नंबर ऑफ रिवोल्ट्स हैं, ये रिवोल्ट नंबर वन, रिवोल्ट नंबर टू, ये फार्मर्स रिवोल्ट है, ये पेजेंट, वो बस अलग अलग बता रखे हैं। उसको वोकैब नहीं मिलता, एक तो जब आंसर राइटिंग करने जाते हैं तो आपको वोकैब नहीं मिलता, एक रिदम नहीं बनता है आपका, आप खुद लिंक करके आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाते। लेकिन ये भी है कि फैक्ट जो पूछे जा रहे हैं पिछले कई सालों से वो स्पेक्ट्रम से आ रहे हैं, बिपिन चंद्रा में मेंशन नहीं है, खास करके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, उनके कई सारी चीजें बिपिन चंद्रा में है ही नहीं, तो वो हमें स्पेक्ट्रम से पढ़नी पड़ती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक बैलेंस ढूंढना बहुत जरूरी है, तो बैलेंस में हम यही कर सकते हैं कि आप बिपिन चंद्रा पढ़िए, अगर आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, एबीसीडी भी नहीं आती हिस्ट्री की, तो स्टार्ट विद बिपिन चंद्रा। लेकिन अगर हिस्ट्री का बेसिक आइडिया है, मान लीजिए आपने कोई लेक्चर्स देख रखे हैं, मेरे देख रखे हैं, रिंकू मैम की क्लासेस अटेंड कर रखी है, तो उसके बाद आप फिर स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। अगर आपको कहानी पूरी क्लियर है, कहीं पे ये डाउट नहीं है कि भैया पोर्चुगीज़, अगर कहानी क्लियर है तो फिर आप स्पेक्ट्रम के लिए जाइए, तो फिर आप स्पेक्ट्रम के लिए जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली स्पेक्ट्रम इज लाइक लेवल 2 ऑफ योर प्रिपरेशन। यस, और एक आइडियली कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए स्पेक्ट्रम, आइडियली कर लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और 4-5 महीने बाद पेपर है, तो फिर ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे, थोड़ा आपको टाइम, और आप बोर हो जाएंगे। अगर आप सीधा स्पेक्ट्रम के लिए, कोई भी न्यू स्टूडेंट जाता है तो वो बोर हो जाएगा, क्योंकि वो तो फैक्ट 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 फैक्ट्स ही है उसमें, फिर वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा ऊपर सब सर। मेरा ऊपर तो स्पेक्ट्रम का सीरीज काफी अनअकैडमी पर हिट रहा है सर, यूपीएससी से हिंदी पर मैंने पूरा स्पेक्ट्रम कवर किया था जी। और बहुत मतलब दोबारा जब वो पूरी वो सीरीज आई थी तो दोबारा भी उतना ही प्यार मिला था स्टूडेंट्स से मुझे। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट को कि उनको एक बार बिपिन चंद्र जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल जी। इसके बाद मैम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आता है और एक आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, इन दो के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? सर पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चंस एक बस एक पूछा जाता है, वो भी किसी साल पूछा जाता है, किसी साल नहीं पूछा जाता। अच्छा, स्पेक्ट्रम की एक और खास बात ये है कि स्पेक्ट्रम में ये भी कवर्ड है, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी। अब उसके लिए सर, जैसे ऑप्शनल के लिए रामचंद्र गुहा हमने पढ़ा था, गांधी के बाद भारत, नेहरू के बाद भारत, ये सब तो हम जीएस के लिए बोलेंगे नहीं स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। और जो बिपिन चंद्र की जो बुक है आज़ादी के बाद भारत, वो भी बहुत बल की बुक है, तो इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ क्लास ले लेनी चाहिए किसी फैकल्टी की, जैसे हम लोग कवर करेंगे जहाँ से पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चंस आने की। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस आप क्लास नोट से ही करिए या फिर टीचर्स के क्लासेस या नोट्स से ही करिए। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ इतना टाइम नहीं देना चाहिए।
बिल्कुल हाँ। और मैम आर्ट एंड कल्चर जैसे काफी कंपोनेंट तो उसका एंशिएंट और मेडिवल में कवर हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आर्ट एंड कल्चर अलग से ही कवर करना है तो हम अलग से अगर उसको कोई करना चाहता है तो फिर मार्केट में तो नितिन सिंघानिया की ही बुक प्रीफर की जाती है उनकी, राइट। और लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री के साथ अगर कल्चर स्टूडेंट पढ़ता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएगा और जीएस पेपर वन में उसको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके फाइनली आता है वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन। अब वर्ल्ड हिस्ट्री वैसे तो प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, सिलेबस का पार्ट नहीं बताया यूपीएससी ने, इट इज आस्क्ड ओनली इन द ठीक वो ऐसी है सर पोस्ट इंडिपेंडेंस की तरह, बिल्कुल पोस्ट इंडिपेंडेंस की तरह ही है, तो ये टॉपिक दोनों मेंस के लिए हो जाते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी क्या अलग से कोई किताब पढ़नी जरूरी है? मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी अर्जुन देव ओल्ड एनसीईआरटी बुक है जिन्होंने लिखी थी, अर्जुन देव की हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशंस, उसका दो वॉल्यूम है, तो जो सेकंड वॉल्यूम है वो 18th सेंचुरी से शुरू होता है और उसमें उन्होंने बहुत इतनी पतली बुक है सर, मेरे पास तो एनसीईआरटी की ही बुक रखी हुई है, तो बहुत प्रिसाइज वे पे उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रेनेसा से स्टार्ट करते हैं वो, और वो बहुत अच्छी बुक है वो, पर उसमें भी काफ़ी टाइम जाएगा और पोस्ट इंडिपेंडेंस की तरह ही इसका भी वेटेज है। मुझे लगता है कि इसके लिए भी अगर अर्जुन देव की बुक मिल जाती है तो पढ़ना चाहिए, और वैसे मेरा एडवाइस यही है कि टीचर्स के क्लास से ही कर लो, क्लास नोट से ही काम तो चला। वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री इनके लिए आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि नोट से कर लिया जाए, क्लास नोट्स इज द बेस्ट थिंग। तो मैम ये हिस्ट्री का एक आपने सोर्सेज का अच्छा हमें बता दिया कवरेज। आजकल एक चीज काफी देखी जा रही है कि हिस्ट्री को करंट अफेयर्स के साथ काफी लिंक किया जाता है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये जैसे हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है करंट अफेयर्स को जानने के लिए? सर एक क्योंकि मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी मैंने पढ़ाया है, एक वर्ड आता है रिवाइवलिज्म, तो अभी आजकल जो हमारे कंट्री का जो माहौल चल रहा है कि जैसे हमारे हमारा जो ओल्ड कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हेरिटेज है, उसको रिवाइव किया जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो अब वो यहाँ पर मुझे लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हुए जो उसमें कल्चर पार्ट है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, और साथ साथ पेपर में न्यूज़पेपर में क्या निकल रहा है, जैसे सर जब अयोध्या में टेंपल बन रहा था तो सोमनाथ टेंपल से क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल, तो मतलब तो अगर कोई टेंपल चल रहा है अभी वो हाईलाइट है तो फिर उसमें हमें डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, उसे स्टूडेंट को पूरा डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। जैसे मेरा जो तरीका रहेगा वो यही रहेगा कि भाई अभी चल रहा है इस पर तो इसको अच्छे से कवर कर लो, जैसे अभी सवाल आने की संभावना ज्यादा है, अभी जैसे वहाँ पे ज्ञानवापी मसला चल रहा है सर, तो अब क्योंकि वो मेडिवल हिस्ट्री से वो सीधा कनेक्ट करता है, हालांकि थोड़ा कंट्रोवर्सियल टॉपिक है, बट क्योंकि वो उसके आसपास हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कब वो मॉस्क बना, उसके पहले वहाँ पे क्या था, किसने उस टेंपल को बनाया, कई कितनी बार वो टूटा, लास्ट अहिल्या बाई होलकर ने अगर किया था तो फिर वो उसके बाद क्या हुआ था, तो पूरी ये सब इस तरह तो सारी से डिटेल पता हो तो हाँ। उस पर अगर सवाल आ भी जाएगा तो आपको छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, राइट राइट जी। तो कुल मिलाकर हिस्ट्री की नॉलेज जो है वो करंट अफेयर्स के लिए या फिर जो करंट नेशनल इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स है उनको जानने के लिए भी बहुत जरूरी है, और पेपर न्यूज़पेपर पे बहुत फोकस्ड रहना है कि अभी अभी कौन सी न्यूज पे बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, इस तरह से। तो मैम इस तरह से हमने हिस्ट्री का पूरा कवरेज यहाँ पर करा, करंट अफेयर्स से कैसे हिस्ट्री लिंक्ड है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हमने जाना, और जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री के उनमें क्या बदलाव आ रहा है या पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में भी पूरा डिस्कशन किया। आई होप आपको ये डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक लगा होगा, और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन मैम के साथ या मेरे साथ पढ़कर करना चाहते हैं, लाइव बैचेस में आना चाहते हैं, तो या तो आप हमारा उड़ान बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, या फिर जो बोध बैच है जिसमें रिंकू सिंह मैम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगी वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन ज्वाइन बोथ दीज बैचेस, इनके लिंक नीचे आपको कमेंट में दिए गए हैं, और ये भारत के सबसे अफोर्डेबल बैचेस हैं जो आपको सिर्फ 8,000 रुपीज में अवेलेबल होंगे। इतना क्वालिटी एजुकेशन इस प्राइस पे आपको कोई नहीं दे रहा है पूरे इंडिया में, ये हमारी गारंटी है। इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है एंड यू गेट ऑल द मेंस मेंटोरशिप एज वेल। तो इस बैच को ज्वाइन करिए, आप हमारे साथ लाइव पढ़िए, आपके जो भी डाउट्स हैं उनका निवारण हो जाएगा एंड यू विल गेट मेनी मेनी बेनिफिट्स। और उसके अलावा जो हमारे यूट्यूब सेशंस हैं वो भी अवेलेबल हैं, आप उनसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस।